प्रैक्टिस किया? अच्छा, दिन में प्रैक्टिस किया? नहीं किया। ना पॉली चलो ना, एडिटेबल पॉली टॉपिक चल रहा है। ओके, चालू करता हूँ। अपने को ना होली में अभी कुछ बेड बैग्स वगैरह में दिखाऊंगा, बाकी तुम लोग होली में वही बंडा एक ही है, अलग नहीं होता। तो जो भी डिजाइन रहेगी, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप चालू करोगे। जो मुझे, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ ऐसा, या फिर भी कोई अलग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये वाला, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं सब कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि हाँ ये चीज़ होगी, ऐसा ही होगा, यही टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ वही गाइडलाइन यूज करना है अपना, कुछ अलग नहीं है। या आप ये भी बना सकते हो, ये वाला, ऐसा भी। तो स्टार्ट कैसे करें? समझो मैंने ये रेफरेंस लिया है, मुझे ऐसा कुछ बनाना, मैं स्टार्ट कैसे करूँ? बराबर ना, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? ये लेदर में बना हुआ चीज है, बल्कि ऐसा सॉफ्टनेस है इसके अंदर, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? बेसिक कोई तो अपने को ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा, राइट। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन लेते हैं, सरफेस प्लेन है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, मैं प्लेन का इस्तेमाल करता हूँ। फ्रंट में मैंने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ किया, ओके okay. मैंने प्लेन ड्रॉ किया, इसके अंदर मुझे कोई भी सेगमेंट नहीं चाहिए। फिलहाल मैं सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कुछ भी सेगमेंट, 0 0, सब 0 0। रेफरेंस एक बार वापस देखते हैं, चाहे तो आपको ये डाउनलोड करके रखना है, सर डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। अगर आपको यहाँ पे किधर ओपन करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रेंडरिंग में एक न्यू इमेज करके ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे समय जस्ट देखने के लिए कि क्या लाइंस वर्क है इसका, मेरे को बेसिक आइडिया आने के लिए मैं कर रहा हूँ। लोग फ्रंट में मैंने ऐसा ड्रॉ किया, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, पॉली में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, पॉलीगन में जाएंगे हम। यहाँ पे एक टूल था जो हम लोग ने, मैंने बताया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, क्विक स्लाइस मैंने बताया था आपको, शायद नहीं बता रहेगा, तो ठीक है। क्विक स्लाइस क्या काम करता है, आपको यहाँ पे सेगमेंट्स ऐड करने। हम लोगों ने सेगमेंट देखे थे कैसे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये मुझे क्रॉस लाइन में सेगमेंट चाहिए, तो मैं एज ए कट करके हम लोगों ने टूल देखा था, कट याद है क्या? कट टूल था यहाँ पे, ये देखो इसके बाजू में ही था कट। ये कट टूल से हम लोग भी सेगमेंट आपको चाहिए वैसे ऐड कर सकते हैं। मैं एक नया चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लिक्स, क्विक स्लाइस के साथ,
ये क्या करेगा, आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? मैंने यहाँ से यहाँ तक एक चीज दी, दूसरा मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अगर आपके पास इसका ऑटोकैड का ड्राइंग है बना हुआ, तो इसको आप देख के भी बना सकते हैं। सब कुछ मैं भी अंदाज ले रहा हूँ, कोई डायमेंशन नहीं है। अगर आपने डायमेंशन में लिया है ऑटोकैड में, तो आप इसको इम्पोर्ट करना, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कैसे होता है ऑटोकैड ड्राइंग, कैसे इम्पोर्ट होगा, क्या होगा। यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसा ले रहे हैं। इसका साइज हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये लिया तो इतना ही रहेगा, कुछ कम ज्यादा रहेगा। थोड़ा अनइवन है मेरे से, बाद में एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ है इधर, ये बाजू में इसका कुछ तो ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लोग अभी वही कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है? ठीक डाउट है किसी का? चलो ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है ना? हाँ ये ओवरलैपिंग हो रहा है ना इधर, हम लोग रिमूव करेंगे ना बाद में, वो भी बता दो ना कैसे रिमूव करने का, कोई अंदाज लेने का। ओके ऐसा बना दिया। ठीक है, अभी एज में जाएंगे हम लोग, इसमें से कौन से एज नहीं चाहिए मुझे, ये वाले जो एजेस है ना, ये सब कंट्रोल से मैं डिलीट कर दूंगा। सिलेक्ट करो जो जो आपको नहीं चाहिए, ये वाले सब नहीं चाहिए। ये वाले नहीं चाहिए, बैक स्पेस दबा दो, चल जाएगा। आपको डिलीट बटन प्रेस नहीं करना, आपको बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। डिलीट करेगा तो ऑब्जेक्ट शायद डिलीट होने का चांसेस ज्यादा है। ओके वर्टेक्स में जाएंगे। अभी क्या हुआ, मैंने जब एज डिलीट किया ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ये रेड रेड डॉट बचा है, ये भी नहीं चाहिए अपने को, ये सब भी डिलीट मारना है। बैक स्पेस ही करना है, डिलीट नहीं। वर्टेक्स के लिए भी वही, एज के लिए भी वही। सब डिलीट मार दिया। अभी क्या करना है, एजेस पकड़ना है, एजेस पकड़ना है अपने को। ये आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, ये एज पकड़ा है इतना पार्ट मैंने कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करते क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है कि ये बाद में सब जो हम लोग इसके ऊपर अभी जो मॉडिफाई करने वाले, ये सबके ऊपर होने के बाद अपने को समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर मैंने क्या किया था। तो मैं एक रेक्टेंगुलर, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, तो एक एक गद्दा जो है ना इसका, इसको करके हुआ। ठीक क्या करने का अपने को, यहाँ पे चैम्फर करना है इसको, एज पकड़ने का राइट क्लिक, चैम्फर आता है अपने पास, चैम्फरिंग करने का, चैम्फर दे दो इसको।
क्लिक चैम्फर, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी चैम्फर ऑप्शन है। शॉर्टकट के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। जितना कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और सेगमेंट आपको दो डालने, बस ज़्यादा कुछ सेगमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी इसके अंदर, दो सेगमेंट इनफ होते हैं। अगर आपको ये भी कंफ्यूजन लग रहा है ना अभी, तो एक काम करो, फिर ऐसा मत, इसको तोड़ दो चाहे तो, इसको डिटैच कर दिया, पॉलीगॉन, डिटैच, एक एक को करते हैं अभी यहाँ पे इसको। अच्छा वर्टेक्स डिलीट नहीं होता। चैम्फर किया मैंने, 1 इंच बस हो गया। सेगमेंट दो एक ही रखें तो भी इनफ है, कुछ जरूरत मुझे नहीं लगती है। चाहे तो डालो, दो डालना है तो दो डाल सकते हैं सब।
उसने एक बार सेटिंग कर दी, वही सेटिंग रखने का, कुछ चेंज नहीं करना है अपने, जस्ट आपको चैम्फर करते जाना है इसको। नहीं हो रहा है, बॉर्डर है ना बाहर का है ना, इसकी वजह से इसको मार्जिन नहीं मिल रहा था। सबको चैम्फर कर दिया। अभी ये सब पॉलीगॉन से ना, इसका एक पॉलीगॉन, इसका पॉलीगॉन, इसका पॉलीगॉन। इसको पकड़ के खाली अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर निकाला। इसके ऊपर एक मॉडिफाई डालना है अपने को, स्मूथ वाला, या मैं स्मूथ डाल सकते हो, टर्बो स्मूथ डाल सकते हो। तो जितना बल के दिखाना है उतना पॉलीगॉन्स को खाली बाहर निकालना पड़ेगा। ये पॉलीगॉन का ना यहाँ पे सिलेक्शन सेट बना सकते, क्रिएट अ सिलेक्शन सेट, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, 1 2 3 या आपको जो भी नाम, कुछ का नाम डालना है, तो आप डायरेक्टली एज ये नाम डाल के भी सेव कर सकते हैं। इसको बाहर बाजू में बॉर्डर रहती है, बराबर आपको बॉर्डर डालना है, तो नॉर्मल एक चैम्फर किया, पॉलीगॉन खाली बाहर निकाल बस। बस मूव करने का, मूव पॉलीगॉन सिलेक्ट करने का, जिस डायरेक्शन में मुझे बाहर निकालना है वो डायरेक्शन मूव कर देना बस। इसको हम लोग स्वीप मॉडिफाई डाले थे, जैसा आपका राउंड रहेगा बॉक्स रहेगा वही हिसाब से आप। थिकनेस थोड़ा कम, ओके। ये आपका जो भी मेटल होगा जितना थिकनेस आपको देना है वही हिसाब से आप डिसाइड करो, 1 इंच 2 इंच 3 इंच। स्वीप मॉडिफाई डाला था, लाइन बनाई, रेक्टेंगल बनाया, इसके ऊपर मैंने स्वीप मॉडिफाई डाला था। इसके अंदर ये सब ऑप्शन से मैंने बॉक्स यूज किया, फिर बॉक्स का साइज कितना होगा, डेप्थ कितना है और इसका थिकनेस कितना है, आपको यहाँ पे इसका पैरामीटर्स मिलते हैं, लेंथ एंड विड्थ। अगर इसकी एजेस शार्प दिख रहे, आपको स्मूथ दिखाना है, तो ये कॉर्नर रेडियस से आप ऐसा बना सकते, शार्प नहीं दिखाने है तो शार्प दिखाना है, 0 कॉर्नर रेडियस 0। ओके, अभी इसी को ये इसमें किसको कुछ क्या नहीं समझा, सब समझा, क्योंकि पहले मैंने ट्राई किया था तो डिटैच करके, बट मुझे बाद में समझ में आया कि उसको मार्जिन नहीं मिल रहा था। जो बॉर्डर बनता है, जो मैंने ये एक पीस पकड़ के चल रहा था, मैं सब ये वाला एक पीस पकड़ के हम लोग काम कर रहे थे, बराबर। इसको चैम्फर के लिए बाजू में मार्जिन नहीं मिल रहा था। वो तो चैम्फर क्या काम करता है आपको मालूम है? नहीं मालूम, प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं मालूम, प्रैक्टिस किया तो मालूम है, प्रैक्टिकल करके क्या करेगा तो मालूम है चैम्फरिंग कैसे होता है, नहीं मालूम ना। अंदर पॉलीगॉन के आउटर साइड में एक लूप क्रिएट करता है, मतलब एक एज का चैम्फर बना देता है। चैम्फर तो सब लोग समझते हैं, अपने ऑटोकैड में पढ़ा है चैम्फर कैसे वर्क होता है, मतलब एक लाइन को चैम्फर करने के बाद कैसे दिखती है आपको मालूम है, इसका सेक्शन सब मालूम।
वही फंडा यहाँ पे वो मैं कर रहा था, बट ऑटोकैड में पॉसिबल होता है, ये 3D है, इसमें नहीं होगा, 3D में नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वापस जीरो पोजीशन पे लाया, जैसे मैंने इसको स्लाइस किया था वही पोजीशन पे लेके, फिर मैंने एक 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 पार्ट को मैंने चैम्फर कर दिया, और बाद में जो चैम्फर होने के बाद जो मेरा बॉक्स बचता है, ये वाले ऐसे बॉक्स बचते हैं बीच बीच में, इसके पॉलीगॉन को मैंने सिलेक्ट करके रखा था, बाय पॉलीगॉन से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, और एक्सपेंड ट्यूब में इसको मैंने बाहर की तरफ मुंह कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। वो जितना ज्यादा बाहर निकलना है उतना ज्यादा निकल सकते हो, बट वो ज्यादा भी बाहर नहीं, एकदम बलून जैसा नहीं फूटता है, नॉर्मल रहता है ना अंदर, तो आपको मालूम है कुछ नहीं होता है वो सब। तो आपके एज ए विजन के हिसाब से रख देना कितना बाहर निकलना है उतना, और इसके ऊपर मॉडिफाई डालो टर्बो स्मूथ, आपको नॉर्मल दूसरा मॉडिफाई भी आते हैं, बेस स्मूथ आता है, नॉर्मल स्मूथ वाला आता है, सबसे बेस्ट टर्बो स्मूथ होता है क्योंकि इसमें स्मूथनेस अच्छे से मिलता है, और अगर इसका ये इंटरपोलेशन जो है इसका बढ़ा देंगे हम, अभी 1 है फिलहाल, फिर भी अच्छा स्मूथ दिख रहा है, आप जितना बढ़ाओगे उतना वो स्मूथ ज़्यादा दिखेगा, पर अनवांटेड ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्बो स्मूथ के बाद इसके ऊपर ये देखो ये सब मेज बढ़ते हैं, ये सेगमेंट ज़्यादा बढ़ने चालू हो गया, वो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसे, अगर आपका काम 1 2 में ही हो रहा है तो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजाइन्स है, ऐसा भी है, ये भी है, ऐसे फंडा एक ही है, मैंने क्रॉस लाइन बनाया, आपको वर्टिकल लाइन से बनाना है बस, भी समझो ये बेड का जो एरिया था ये वाला, ये आप डायरेक्टली बॉक्स से भी बना सकते थे, नॉर्मल बॉक्स वर्टिकल सेगमेंट्स, और उसको ही हम लोग कुछ लगभग ऐसा बनेगा, वो सिक में बना के दिखा तो चाहता हूँ, नहीं स्मूथ स्मूथ डालने के बाद वो कर्व हो जाएगा। नहीं जैसे और ऐसा था है का? ये बस डैट है ना, तो बस गोल हुआ और नहीं। सर से ऊपर राउंड ऐसा तो बोल रहा है। हाँ तो तेरे को वो उसके लिए वो शेप बनाना पड़ेगा ना ऐसा, फिर वो क्विक स्लाइस से तू वर्टिकल ड्रॉ करेगा, फिर वो पॉलीगॉन्स को तू बाहर निकालेगा, तब बनेगा, समझा कि नहीं? शेप आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, अभी ये तो रेक्टेंगल जैसा था, कभी कभी कुछ अलग शेप्स आते हैं, तो ये वाला ये अलग चीज है, क्लोथ से बनता है, ये चीज अलग है, ये बोल रहा हूँ ऐसा भी डिजाइन आप क्विक स्लाइस से बना सकते हो, ये वाला आपका आधा ही बनाना है आपको, क्विक स्लाइस से आप ये ऐसे क्रॉस लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करना, फंडा सेम सेम फंडा, इसका मिरर बना देगा, मिरर तो आपको मालूम है कैसे बनता है, कॉपी करके भी बना सकते हो या इसके अंदर सिमेट्री मॉडिफाई होता है उससे भी बना सकते हो, तो साइड लाइट पर साइड पॉइंट स्केचअप टेप ना, ऐसा है ना आप स्नैपिंग है आपका, एक तो आपको गाइडलाइंस ही है, इसके अंदर मेजर करके भी एक ऑप्शन आता है, हेल्पर्स में टेप रहता है, टेप टेप से थोड़ा आप मेजर कर सकते हैं, स्नैप से ये पॉइंट का डिस्टेंस मुझे दिखता है, यहाँ पे देखो लेंथ करके नीचे दिख रहा होगा आपको, मैं ये देखो यार ये आपका टेप ही है, समझा? इसको नहीं समझा कुछ, बनाओगे इसका ऑप्शन डिजाइन बना सकते हो ना बढ़िया, आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ इसके ऊपर, ओके पॉली में तो ये फंड आपने को समझ में आया, मैंने शायद आपको ये भी बना के दिखा था, पिलो बेड शीट्स सोफा वगैरह सोफा वगैरह हम नॉर्मल बनाया था, अभी प्लान जो होता है आपका पास जो आपके डिजाइन है,
थ्री डी मैक्स में कैसे लाने का वो देखने का। ऑनलाइन स्टूडेंट को एक बार पूछ लेते हैं क्या चल रहा है, किसी को कोई डाउट है अभी? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या? चैट बॉक्स में लिखो, साउंड नहीं है सर, डी नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है मैं वापस बताता हूँ कि मैं ट्रांसफर करने के बाद मैंने क्या किया था। वापस बता रहा हूँ यही टॉपिक में, ए भाई इनका डाउट सॉल्व करना मतलब तू तेरे को नहीं है क्या? ओके ऐसा मैंने एज बनाया था और इसके बाद में मैंने हर एक पार्ट को चैम्फर किया था। ठीक है 1 इंच 2 इंच आपको जितना रखना है उतना आप लोग को सेगमेंट्स एक ही रखो फिलहाल जाना नहीं। ओके देन ये वाला पार्ट मैंने किया था, ये राइट क्लिक चैम्फर। अभी सेटिंग तो मैंने एक बार की है, उसको कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बराबर। ये मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और मैंने इसके पॉलीगन पकड़े थे, ये वाला एक पॉलीगन और एक वाला पॉलीगन, बस इसको प्रस्पेक्टिव में बस बाहर निकाल दिया इसको, बस और कुछ नहीं किया था। इसके ऊपर मैंने डाला था टर्बोस में, बस ओके। और ये टर्बोस में अगर आपको चाहिए ज्यादा तो आप बढ़ा दो, जितना ज्यादा स्मूथ होगा, बस कुछ नहीं, टर्बो स्मूथ का काम वही है। इसके ऊपर टेक्सचर ना भाई है, आगे मटेरियल आगे पड़ेगा। ओके अभी समझा टोरेट पुणे, डाउट जो था वो समझा क्या? चैट बॉक्स में लिखना ओके थैंक्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ऑटोकैड का प्लान जो होता है, आपने जो बना प्लान बना हुआ सेक्शन बने एलिवेशन सब ड्राइंग बनाया था हुआ, इसको यहाँ पे कैसे लाए? सबसे पहले आपको यूनिट सेटअप करके लेना पड़ेगा। जैसे ऑटोकैड में आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो तभी आप यूनिट सेटअप करते हो, राइट। आपको यहाँ पे भी एक यूनिट सेटअप करना जरूरी है, ठीक है। कस्टमाइज के अंदर यूनिट सेटअप कर नाम करके एक चीज होती है, ठीक है, कस्टमाइज यूनिट सेटअप। इसके अंदर आप जाओगे, बराबर, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करो। फिर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स यूनिट्स मालूम है सबको कि मैट्रिक्स यूनिट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स यूनिट्स के अंदर कौन से टाइप आते हैं वो सब मालूम है, मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर्स किलोमीटर्स। देन यूएस स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है यूएस वाले, आपको वो भी मालूम है कि इंचेस और फीट में काम होता है। आप मोस्ट ऑफ किस में काम करते हो, फीट इंचेस में कितने लोग काम करते हो? हाथ ऊपर करो, फीट इंचेस में कौन काम करता है? फीट एंड इंचेस में इन्हें नॉर्मल ड्राइंग बनाते तब लोग, आप किस में बनाते हो?
सब लोग एमएम फॉलो कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। आपको 3D Max के अंदर एमएम ही फॉलो करो, क्यों फॉलो करो, क्यों फॉलो करने का ना, मैं बोल रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं ना, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना, ये 3D Max जो दिखता है ना आपको, ये एक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है इसका। अब बड़ा बड़ा पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो, एक सिटी क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, गेम बनता है, मालूम है गेम कितने लेवल्स लेवल्स रहते हैं। तो जो भी गेम्स बनते हैं वो इसके अंदर ही बनते हैं, लेवल्स बनते हैं, या अपने कौन सा हो गया शूटिंग वाला प्रोजेक्ट आइडिया है, एक खेला रहेगा, वो सब गेम इसके अंदर डेवलप हो गए थे। तो मैंने क्या किया, यूनिट सेटअप के अंदर मिलीमीटर्स रखा है, दूसरा सेटअप होता है एक सिस्टम के लिए, ये आपके डिस्प्ले के लिए हुआ है, डिस्प्ले यूनिट स्केल्स, आपके डिस्प्ले के ऊपर क्या यूनिट स्केल बताने वाला है वो चीज। सिस्टम को क्या देना है, मैक्स के अंदर के जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको कौन सा यूनिट देना है, गलती मत करना। आप बहुत जो क्या करते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर लिख दिया और यहाँ पे कुछ तो अलग ही होता है, राइट। आप जो भी बाहर यूनिट रखने यूनिट जो किया है वही यूनिट आपको सिस्टम को भी देने का, अलग अलग मत दो, तो कुछ अजीब ही बनेगा फिर, स्केल में नहीं रहेगा आपका, ठीक है। मैंने मिलीमीटर्स लिया, मिलीमीटर्स लूंगा, अगर मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर रखा तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर रखा। बात आती है, अगर समझो मैंने यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड्स यूज कर रहा हूँ, मुझे समझो इंचेस का इस्तेमाल करना है या फीट का इस्तेमाल करना है, तो क्या करने का है आपको, फ्रैक्शनल इंचेस जो है वो यूज करना है, फीट W फ्रैक्शनल इंचेस। ये करने से क्या होगा, आपके जो फीट एंड इंचेस का सिंबल रहता है ना, सिंबल मानो में सही होगा, एक लाइन मतलब फीट की होती है, दो लाइन मतलब इंचेस की होती है, वो वाला डिस्प्ले आपको समझ चालू होएगा। अभी आप बोलोगे मैंने यहाँ पे फीट रखा है तो मैं इसके अंदर फीट रखूँ क्या, यहाँ पे फीट ऑप्शन भी दिया है, बराबर दिया है ना, नहीं आपको यहाँ पे लेना है इंचेस। क्यों इंचेस लेने का, कौन बता सकता है, बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर, टेप मेजरमेंट आता है ना सबको, टेप टेप मालूम है ना, मेजर टेप, हाँ वो सबको समझ में आता है ना, मेजरमेंट टेप में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे इंचेस क्यों लेने का, बराबर। अगर आप समझो 1 फिट डालोगे यहाँ पे तो आपको मालूम है 1 फिट का इंचेस में कितना होता है, तो डायरेक्टली आप इंच जो मैंने डाला 12 इंचेस, सिस्टम को मालूम है क्या है, 24 इंचेस मालूम है क्या होता है, तो आप इंचेस यहाँ पे रखो, क्योंकि फीट में डालोगे 1 फीट और बीच में समझो मुझे कुछ इंचेस चाहिए तो आप फीट नहीं कर सकते, वो फीट में काउंट करेगा। 12 इंचेस आप डालोगे ना, मतलब 12 इंच डालोगे, 12 डाल दिया, 12 फीट पकड़ेगा वो, इंच नहीं पकड़ेगा, फिर आपको बार बार वो सिंबल ये सब करना पड़ेगा, मगजमारी। तो इसके अच्छा आप यहाँ पे इंचेस रखोगे, यहाँ पे नॉर्मल 1:1 जो भी प्रिसीजन में आपको चाहिए, प्रिसीजन समझते हैं, पावना वगैरह सब समझते हैं ना, पावना वावना 3/4 1/4, सबसे बेस्ट मिलीमीटर्स, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट आता है, ऑन साइड भी आप एक्यूरेट मेजरमेंट आप लोग लेके आओगे हो मिलीमीटर्स में, तो ऑब्वियसली डिजाइन के लिए आपको भी मिलीमीटर्स बेस्ट, मिलीमीटर्स ओके। अपना सेटअप यहाँ पे रेडी है, आप यहाँ पे अगर देखते हो ये एक्स वाई जेड स्केल में यहाँ पे एमएम 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 सब लिख के आ रहा है, बराबर है। अब समझो बॉक्स बनाने जाओगे तो मैं एक बॉक्स फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका प्रॉपरली मेजरमेंट में बॉक्स बना, ये 59.203, मैं 60 करता हूँ इसको, इसको 73, ये पूरा एमएम में ड्राइमेंशन है इसका। आपको जूम में ज्यादा बड़ा दिखता है बट इमेज जैसा
प्रॉपर ये स्पेसिफिक स्केलिंग में काम करना चालू करूंगा तो ये इसका डायमेंशन आपको छोटा ही दिखेगा। जूम है इसके लिए सब तो बहुत जन पुराने स्टूडेंट्स लोग ऐसे पूछते थे, अरे इतना छोटा सा लिया था मैंने और यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। ऐसा नहीं, आप जूम कर रहे हो ना इतना, सपोज लिया आप इसको देख रहे हो इसकी वजह से ऐसा दिखता है वो। ठीक है इतना समझा, क्लियर? विंडो सेटअप बेसिक फंडा है ये। अभी अपने को एक कोई पैड एक ऑटोकैड का ड्राइंग देखते हैं, कोई ड्राइंग है क्या? बस इसको मालूम है मैम का लैपटॉप का कारण क्या नहीं बोला ना? हाँ तो जाना जल्दी। मालूम है बोलना 2 मिनट के लिए खाली ऑटो कट करवा दी। कोई प्लान है क्या? कैड फाइल है क्या? कैड फाइल दिला दिया मेरे को दिखाने। हाँ मेरे को नॉर्मल नॉर्मल ओके ये प्लान है नॉर्मल, इसके अंदर कोई सेक्शन विक्शन इलेवेशन नहीं बना हुआ, ऐसा नॉर्मल प्लान है। हम लोग यही लेते फिलहाल। ओके सेटअप कर दिया, आपको जाना ये फाइल में, फाइल इंपोर्ट इंपोर्ट करना है। बट ऐसा क्यों हो गया? फिर फिर से बैक करके करो दूसरा एक बार और फिर से ऊपर आउट करो। हां देख रहे हैं से अभी कुछ किया तो देख कट हो रहा है, इतना इतना पोर्शन कट हो थोड़ा पीछे करना ना, मार्क करना मुझे आता है। अरे बोर्ड पे जा रहा है ऐसा ऐसा। ओके नहीं ध्यान दो, देखो यहाँ पे खाली इंपोर्ट करना है आपको, फाइल में इंपोर्ट ये ऑप्शन याद रखना और आपको यहाँ पे इंपोर्ट ही करना है। डायरेक्टली आप इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो भी चलेगा इम्पोर्ट, और यहाँ पे जाने का आपके जो लोकेशन पे आपने रखा है फाइल वो थोड़ी प्लान। अभी इसका यूनिट क्या है वो आप लोग एक बार चेक कर लेते, इसका यूनिट क्या बना था? गेट तो जाने वाई फाई बंद करे तो नेट उधर चला जाए। जाने
ओके यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड है जो ब्लैक है जो व्हाइट है ना, व्हाइट मतलब व्हाइट नहीं ग्रे होता है। इसका मैं एक अंदाज से यूनिट लेता हूँ कि ये बना हुआ था शायद मिलीमीटर में बना, क्योंकि 750 मुझे कुछ दिखा है वो उन्होंने मिलीमीटर में काम किया है। और अगर आपने समझो फिट इंचेस में प्लान बना हुआ है तो आपको यहाँ पे इंचेस लेना है। इंचेस ऑटोकैड का समझो प्लान फिट इंचेस में बना हुआ रहेगा और आपको काम करना है एमएम में, कोई बात नहीं। आपका प्लान प्रॉपरली स्केल करके मैक्स खुद देगा, बट आपने यहाँ पे चूज करना है कि कौन से यूनिट में बना था वो ऑटोकैड में। पर आपने यहाँ पे गलती कर दी, प्लान स्केलिंग में इश्यू होएगा। अगर इसका मेरे को लगता है कि उसने मिलीमीटर में ही काम किया, क्योंकि डायमेंशन सब सब मिलीमीटर्स में है, मैं मिलीमीटर ही ले रहा हूँ। अगर समझो आपके प्लान फिट इंचेस में, तो आपको इंचेस लेना है, याद रखना ये चीज। स्केलिंग यहाँ पे प्लान प्रॉपरली स्केल होता है। मेरा प्लान जो है नॉर्मल मिलीमीटर्स में है, मैं मिलीमीटर लूंगा। यहाँ पे लिखा है क्या मालूम है, DY ऑटोकैडली प्राइमरी बाई, ये आपके ऑटोकैड के अंदर ये सब उसको कुछ मिल रहा है, ये लेयर्स मिल रहे हैं, कलर्स मिल रहा है, कलर्स एंड मेटल। अगर उसने मेटल कुछ डाला है, मतलब हैचिंग किया है, वो सब चीजें हैं। अपने को इसके इससे कुछ मतलब ही नहीं, अपने को चाहिए वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, उसको भी कुछ करना नहीं है, आपको खाली ओके करना है। आपका प्लान आ गया इसके अंदर, ठीक है, आ गया। एक बार चेक करते कि यहाँ पे कुछ मुझे 750 दिख रहा था, ये बराबर चल रहा है कि नहीं। सर ये मेजर कैसे करेंगे, ये टेप से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ये टेप नहीं चाहिए, समझो मुझे रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर लेता हूँ और स्नैपिंग चालू करता हूँ, 2.5 स्नैपिंग मैंने चालू कर दिया। ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना है, ये दिखता है विड्थ में 750 mm बराबर दिख रहा है। नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब मैंने कोई भी एक डायमेंशन पकड़ के मैं चल रहा था, वो डायमेंशन मुझे मिल गया, तो मेरा प्लान इम्पोर्ट होते हो और उसका स्केलिंग प्रॉपरली आया है। अगर आपके प्लान में समझो वॉल एक बार आपने मेजर की, कौन सी भी वॉल मेजर की, कुछ भी मेजर किया रहेगा, बीम का साइज या फिर कॉलम का साइज, डोर साइज, आपने जो भी एक रेफरेंस पकड़ के चल रहे हो स्केलिंग के लिए, मैंने ये पकड़ के चल रहा था। मैं मुझे प्लान जब मैं देख रहा था, मुझे ये 750 दिख रहा है इधर इधर, मैं यही यही पॉइंट ही पकड़ के चलूंगा। ये पॉइंट 750 है क्या, मेरा प्रॉपरली बराबर 750 है, मतलब मेरा प्लान इंपोर्ट होने के बाद इसका स्केलिंग बराबर आया है। अभी क्या करने का, इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू डायरेक्टली पॉली नहीं करना है, अपने को करना है एडिटेबल स्प्लाइन, क्योंकि ये सब लाइन वर्क है, ये सब लाइन में पॉली में नहीं है। स्प्लाइन में क्यों किया, समझो कभी कभी आपके यहाँ पे हैचिंग या ऐसे इंडिकेशन ये सब इम्पोर्ट होते हैं, आप इसके थ्रू स्प्लाइन में से स्प्लाइन में जाके ये सब पार्ट डिलीट कर सकते हो, ये अनवांटेड पार्ट से इसकी जरूरत नहीं है अपने को, डिलीट। बाद में जब ये मैंने वन ऑब्जेक्ट लिया था, तभी पूरा का पूरा इम्पोर्ट हो गया। ये ड्राइंग में एलिवेशन भी हो सकते हैं, सेक्शंस हो सकते हैं, किसी का डिटेल पार्ट बना हुआ है छोटा सा वो भी हो सकता है, वो भी सब एक एक साथ आएंगे, बराबर ना। इसीलिए मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया, और जितना पार्ट मुझे चाहिए मैं उतना उसको सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा डिटैच। डिटैच, और इसको मैं नाम देता हूँ प्लान, ठीक है। ऐसे ही आपको बाद में इसके एलिवेशंस अलग अलग रहेंगे, ए बी सी या क्या करते हैं, कैसे आप नेमिंग करते हैं मुझे मालूम नहीं। कोई ए बी सी से ना नेमिंग करता है, कोई ईस्ट साइड वेस्ट साइड ऐसे करता है,
जिसके जिसका मेथड है, जिसका फंडा है, वो फंडे से करता है। मैं नॉर्मली एक स्टार बनाता हूँ, नॉर्मल ए बी सी डी प्लान के अंदर, सी का एलिवेशन ए बी सी डी, बस मैं ऐसा करता हूँ। तुम्हारा जो भी फंडा रहेगा तुम्हारा, तो उसको बाद में क्या बोला, डाउट है? नहीं ठीक है, प्लाइन में आपका जो भी एलिवेशन रहेगा तो आप लोगे। कोई बात कन्वर्ट टू, हम लोगों ने प्लान किया था, मैंने इसको डिटैच किया। मैं ऐसा गेस करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे साइड में मेरे पास एलिवेशन से, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके डिटैच किया। वैसे ही आपको एलिवेशन ए बी सी डी चार एलिवेशन सबको डिटैच करके अलग अलग करना है, वन ऑफ गेस में सबको अलग अलग करना है। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है डायरेक्टली, कंट्रोल ए हेलो ऑल सर, सिलेक्शन। आपके सब प्लान में जितने एलिवेशन से प्लान सर है सब सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एफेक्ट पॉइंट ओनली, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या काम करता है। एफेक्ट पॉइंट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट, जितने हेलो भी सर, पार्ट है बराबर सेंटर के, ये जो एक्सिस पॉइंट है सबके सेंटर में अलग अलग चला जाएगा। एलिवेशन का सेंटर बराबर पकड़ेगा, ए का बी का सी का डी का, और ए प्लान का भी आ गया। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लान है ये बराबर सेंटर पे नहीं है, और ये हमेशा सेंटर पे होना जरूरी है। इंपोर्ट कर दिया, आज भी ऐसे मैंने बहुत जन देखे, इंपोर्ट होने के बाद वहां पे ही चालू कर दे, नहीं ये गलत फंडा है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये प्लान हमेशा 0-0 पे लाना है। क्यों लाना है, समझो आप बना रहे हो, कभी कभी क्या होता है आप कोई भी फर्नीचर इंपोर्ट करते हो, लाइट्स इंपोर्ट करते हो, कैंडेलियर हो गया, कुछ भी इंपोर्ट कर दिया जो आपने बाहर से डाउनलोड करके लाए, वो इंपोर्ट होने के बाद ये किधर भी जाएगा, वो किधर भी हो जाता है, कभी हेलो कभी बराबर सर, सेंटर पे भी आता है, कभी कभी सेंटर पे नहीं रहता। तो आप क्या करते हो, उसको ढूंढते रहते हो जूम आउट करके, ठीक है, जूम आउट करके इधर किधर पड़ा है उसको सिलेक्ट करके, फिर आपने जो भाई ये बना हुआ प्लान है ना, तो इधर किधर कोने में पड़ा है, एक ये कोने में एक ये कोने में, फिर ये सिलेक्ट करके आपको उधर लेके जाना है, और जूम आउट करो, फिर इसको देखो वो किधर है, इसको उधर लेके जाओ, कोई जरूरत नहीं। ये आपका प्लान सेंटर पे है बराबर है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया वो वाला, उसको भी 0-0-0 कर दो, सबको बराबर आपके प्लान में आ जाना, समझा क्यों करने का ऐसा? ठीक है, क्लियर? जैसे ऑटोकैड के अंदर लेयर्स होते हैं, तो लेयर्स मालूम है, मैक्स के अंदर भी लेयर्स है, वो लेयर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये जो बार है ना, ये इधर साइड में राइट क्लिक करो, लेयर्स करके आपको, ये ऑलरेडी ऑन है, ये ऑलरेडी ऑन था, इधर था, राइट क्लिक लेयर्स, ये लेयर्स आ गए, ये वाला लेयर्स की विंडो है, ये क्रिएट अ न्यू लेयर, आपको नया लेयर बनाना, सेम ऑटोकैड कोई अलग चीज नहीं, क्रिएट ए न्यू लेयर, इसको नाम दे दो,
ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, आपकी जो करंट लेयर है ये आपकी हमेशा ऑन होनी चाहिए। ऑटोकैड में क्या होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, खाली लेयर के ऊपर क्लिक करो, अपने आप ऐड होता है, बराबर ना? मैं गलत बता रहा हूँ? हाँ कि नहीं? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा होता है क्या? होता है, ऑटोकैड के अंदर होता है। मैक्स में ऐसा नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दिया रहता है ऐड अ सिलेक्शन टू करंट लेयर, जो भी करंट लेयर है इसके अंदर आपको ऐड मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये लेयर के अंदर चला गया, मतलब इसकी ये प्लान की लेयर प्लान है, डिफॉल्ट लेयर नहीं है। आप हमेशा जो भी बनाओगे सेक्शन एलिवेशन जो भी इंपोर्ट करोगे उसका नेमिंग अलग रहेगा, उसकी लेयर अलग रहेगी। यहाँ पे है ये दो लाइन दिखती है आपको यहाँ पे कोने में, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये कोने में आपको यहाँ पे दो लाइन दिखती है, ठीक है? ये दो लाइन का मतलब क्या होता है, आपको दिखने के लिए कर रहा हूँ ये सब। एक चीज होती है हाइड करने के लिए, दूसरी होती है फ्रीज। फ्रीज लेयर आपको सबको मालूम है, ऑटोकैड में फ्रीज जो होता है ये सेम फंडा वही है। फ्रीज बीच वाला पार्ट है, फ्रीज स्टार का मतलब होता है फ्रीज। फ्रीज ये लेयर फ्रीज हो गई, ये लेयर में कभी सिलेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं इसको अनफ्रीज नहीं कर सकता। और दूसरा है बाजू में हाइड, ये हाइड होता है, ये मैंने लेयर में से ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया, ठीक है? अभी आपको जाना है डिफॉल्ट लेयर में और इसके ऊपर वर्क करना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर में यही टॉपिक, शायद दूसरा प्लान लेके हम लोग करेंगे जिसके अंदर प्रॉपरली एलिवेशन बने। अभी आप लोगों ने से अपने लैपटॉप लाया? हाँ मैंने जो असाइनमेंट दी थी ना अभी, 2 BHK कितना मेरे वाला प्लान जो था, वो मैंने दे दिया डिजाइन करने के लिए, वो ओपन करो सब लोग, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अगेन वही टॉपिक लेंगे, ये वाला थोड़ा सा इसके ऊपर प्लान के ऊपर प्रॉपर मैं बोलता हूँ क्या। तुम लोग का असाइनमेंट है पॉली के अंदर, मैंने जो अभी बताया ना उसके ऊपर असाइनमेंट है, 3D का असाइनमेंट है। सुनो वही वही यार, ये इसको दो, मालूम प्लीज जरा ध्यान दो।